भारत विंडीज के बीच तीसरा वनडे इन रिकॉर्ड्स के लिए खास, सचिन के एक रिकॉर्ड पर हिटमैन की नज़र। टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच शनिवार को पुणे में खेला जाने वाला तीसरा वनडे रिकॉर्ड्स के लिहाज से यादगार बन सकता है। इस लेख में आपको आज के मैच में संभावित और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने महान सचिन तेंदुलकर के कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त किए। अब उप कप्तान रोहित शर्मा के पास भी तेंदुलकर का एक बेहद खास रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। रोहित शर्मा के पास वनडे क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक छक्के जड़ने के मामले में तेंदुलकर को पीछे छोड़ने का शानदार मौका है। हिटमैन ने अब तक वनडे क्रिकेट में 194 छक्के जमाए हैं, जबकि तेंदुलकर के खाते में 195 सिक्सर दर्ज है। पूर्व कप्तान और मौजूदा विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी इस मामले में 211 छक्कों के साथ शीर्ष पर काबिज हैं। एमएस धोनी के पास भी बड़ी उपलब्धि हासिल करने का सुनहरा मौका है। धोनी को टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए 10,000 रन पूरे करने के लिए 31 रन की दरकार है। धोनी के वैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,123 रन हैं, जिसमें से 9,969 रन भारत के लिए बनाए गए 174 रन एशिया एक आदर्श की तरफ से बनाए गए। रोहित शर्मा के ओपनिंग जोड़ीदार शिखर धवन के पास भी एक रिकॉर्ड बनाने का शानदार मौका है। धवन 5,000 वनडे रन पूरे करने से 144 रन दूर हैं। वह इसे पूरा करते ही सबसे तेज 5,000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। वह इस मामले में कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ेंगे। धवन आज अपनी 112वीं पारी खेलेंगे, जबकि कोहली ने 114वीं पारी में 5,000 रन का आंकड़ा पार किया था। शिखर धवन और रोहित शर्मा को सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग के बाद भारत की दूसरी सबसे सफल ओपनिंग जोड़ी बनने के लिए 14 रन की दरकार है। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार के पास भी अपने वनडे करियर के 100 विकेट पूरे करने का मौका होगा। विराट कोहली को डिविलियर्स के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए हर हाल में पुणे में शतक जमाना होगा। अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो भारतीय जमीन पर सर्वाधिक 4 निरंतर शतक जमाने के मामले में डिविलियर्स की बराबरी पर आ जाएंगे।